गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द चैनल कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो मलेरिया के बारे में ले रहे हैं मलेरिया को डीपली आइडेंटिफाई कराएंगे थियोटिकल क्या उसके साइंस सिम्टम्स होते हैं और किस मच्छर के किस मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ठीक है थीके? ये क्या है ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है ठीक है इसमें क्या होता है प्लाज्मोडियम स्पयर जोट्स होते हैं वो क्या होते हैं फर्स्ट वेक्टर क्या होता है मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल होता है फिर क्या होता है इनिशियल ह्यूमन होस्ट में इंटर करता है और देखो अगर जैसे कोई पूछता है कि जो मलेरिया होता है वो किसे वो किस ऑर्गन को इफेक्ट करते है, करता है तो आप बताओगे लिवर को ठीक है फिर ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है ये मलेरिया होता है मतलब मलेरिया किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा तो आप बताओगे लिवर को ठीक डेफिनेशन ऑफ मलेरिया एंड टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट ठीक है तो इसके बारे में बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मलेरिया एंड टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट में क्या है इज एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर एंड आर बी सी एस ये क्या इन्फेक्शन करता है किसे इफेक्ट करता है लिवर को और आर बी एस रिएक्शन वो रेड ब्लड सेल्स क्विड बाई प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम ठीक है मलेरिया इज कॉइड बाई फाइव स्पेसीज प्लाज्मोडियम देखो इसमें कितनी स्पेशज होती हैं तो फाइव होती हैं कौन सा होता है प्लाज्मोडियम फेलसी होता है ठीक है ये क्या होता है सबसे डेंजरस होता है अगर जैसे जितनी मलेरिया की स्पेशीज होती हैं फाइव टाइप की होती है तो उसमें अगर कोई पूछता मोर डेंजरस स्पेशीज तो उसका आप आंसर दोगे प्लाज्मोडियम फेल्सी ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आता है प्लाज्मोडियम वाइबैक्स फिर प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नॉलेसी ठीक है मोर इंडिया से कौन सा होता है प्लाज्मोडियम फेल्सी ठीक है जैसे कोई पूछता कि ये मलेरिया किस मॉस्किटो के काटने से होता है तो आप बताओगे क्या होता है फीमेल एनाफ्लीज हाँ एपिडेमोलॉजी ऑफ मलेरिया की बात करते हैं तो ठीक है मलेरिया इज बैडली डिस्ट्रिब इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑफ अफ्रीका एशिया एंड लेशियन अमेरिका मलेरिया फैक्ट्री में फोर हंड्रेड मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड कितना मतलब फोर हंड्रेड मिलियन पीपल है ना वो क्या हो जाता है मलेरिया से ग्रसित हो जाता है मलेरिया कोचिंग टू मिलियन डेथ ईच ईयर हर साल दो मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है मलेरिया मलेरिया से ठीक है मलेरिया डिजीज से अब स्पेसीज की बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है किस एरिया में होता, किस होता, तो होता? Africa, है किस कंट्री में, में होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है वेस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका ठीक है मिडिल ईस्ट फेयर ईस्ट और साउथ अफ्रीका ये मेनली साउथ अफ्रीका में ज़्यादा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो कि सबसे डेंजरस होता है नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है वो हमारे इंडिया में है नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका फेयर ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका ठीक है ये कौन सा होता है प्लाज्मोडियम ये भी भी डेंजरस होता है है लेकिन देखो कोई डिजीज तो वो डेंजरस तो होगी क्योंकि वो हमारे ऑर्गन को इफेक्ट करेगी लेकिन प्लाज्मोडियम होता होता है ये होता है ये ज़्यादा डेंजरस प्लाजमोडियम फैलसीसकी प्लाज्मोडियम वाइवक्स की नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम ओवेल ये क्या होता है ट्रॉपिकल अफ्रीका इंडिया फॉर ईस्ट में ठीक है और प्लाज्मोडियम मलेरिया ये क्या है ट्रॉपिकल अफ्रीका ये क्या हो गया एपिडीमोलॉजी ऑफ मलेरिया मतलब कौन सी स्पेसीज किस कंट्री में ज़्यादा होती है अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ मलेरिया के रिस्क फैक्टर ऑफ मलेरिया में हमारा रहता है लिविंग और ट्रेवलिंग इन रीजन वेयर मलेरिया इज प्रजेंट ठीक है ट्रेवलिंग टू एरिया वेयर मलेरिया इज कॉमन मतलब आप कहीं भी रिस्क फैक्टर क्या है कि आप ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं और जहाँ पे क्या मलेरिया है मलेरिया एक कॉमन कॉमन डिजीज है ठीक है तो वहाँ वहाँ से चांस रहता है विदाउट टेकिंग मेडिसिन टू प्रिवेंट मलेरिया और क्या है बींग आउटडोर स्पेसिफिकली इन रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गंदगी वगैरह ज़्यादा होती तो उस कंडीशन में भी जो मॉस्कीटो होता है ना वो वहाँ पर उत्पन्न होता है जिस वजह से क्या होता है कि मतलब बीमारी फैलती है ज़्यादा ठीक है नॉट टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स मतलब आप कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं ले रहे हो जैसे कोई मॉस्किटो वगैरह से तो उस कंडीशन में भी हो जाता है ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन अंडर फाइव ईयर ऑफ एज और पेशेंट विद एच और एड्स ठीक है अब बात करते हैं एनाफ्लिज मॉस्किटो ठीक है एनाफ्लिज मॉस्किटो क्या होता है कि इसी के काटने से जो मलेरिया होता, होता, मतलब an होता है वो होता है ठीक है आइडेंटिफिकेशन फीचर्स इसमें क्या था स्पोर्टिंग विंग्स जो मतलब उसके पंख वगैरह होते हैं ठीक है वैन एट रेस्ट एनक्लेंड एट एन एंगल एट एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री एंगल के उस एंटर करता है ठीक है जो इसका सलाइबा होता है टू द सरफेस नो बजिंग साउंड मतलब इसकी आवाज मतलब आवाज नहीं करता है ठीक है नो बजिंग साउंड नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया की मतलब ये जो मलेरिया की लाइफ साइकिल है वो क्या है ठीक है तो इसमें सबसे पहले आता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स जो भी मतलब इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो क्या है इंजेक्ट करेगा किसमें स्पोरोजोइट्स में ठीक है फिर क्या होता है स्पोरोजोइट्स माइग्रेट टू द लिवर वेयर दे फ्रॉम मोरोजोइट्स ये सेकंड स्टेप रहता है ठीक है फिर थर्ड स्टेप क्या मोरोजोइट में एंटर हुआ फिर उसके बाद मोरोजोइट्स आर रिलीज्ड एंड इनवाइड रेड ब्लड सेल्स जो अभी हमने आपको बताया था लीवर और आरबीसी पर इफेक्ट करता है रेड ब्लड से इन द रेड ब्लड सेल द ट्रोफोजॉइट मल्टीपल प्रोड्यूसिंग न्यू मोरजॉइट दीज आर रिलीज्ड व्हेन द रेड ब्लड सेल रैप्चर एंड कैन इन्फेक्ट अदर रेड ब्लड सेल्स ठीक है cells, उसमें रेड ब्लड सेल्स क्या होती? होती है और अदर रेड ब्लड सेल्स होती उन्हें इफेक्ट करती है फिर सम मोरिजोइट्स बिकम गेमिटोसाइट ठीक है नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है द फीमेल मॉस्किटो पिक्स अप गेमिटोसाइड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन द सेक्सुअल साइकिल अकर्स इन द मॉस्किटो वेयर स्पोरोजोइट्स आर फॉर्म ठीक है ये क्या होगी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया और ये हमारा क्या है ऑर्गेन लिवर जिसे ये इफेक्ट करेगा मलेरिया ठीक है लिवर को दी आर लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अब इनक्यूबेशन पीरियड देखो जैसे कोई भी हम आपको हर बी मतलब हर क्लास में अपने बताते आ रहे हैं कि कोई भी जैसे डिजीज होती है तो उसका एक विंडो पीरियड होता, होता है इनक्यूबेशन पीरियड होता है ठीक है विंडो पीरियड या इनक्यूबेशन पीरियड एक ही बात होता है तो इनक्यूबेशन पीरियड होता है तो क्या होता है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पैरासाइट इसमें हमारा रहता है प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम इज मोर डेंजरस ठीक है इसके इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है सेवन टू फोर्टीन डेज सात से चौदह दिन इनक्यूबेशन पीरियड हो गया प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम का नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाईवैक्स का प्लाज्मोडियम वाईवैक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ट्वेल्व टू सेवनटीन डेज विद रिलेप्स अप टू थ्री ईयर्स ठीक है ये क्या हो गया प्लाज्मोडियम वाईवैक्स का इनक्यूबेशन पीरियड नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम ओवेल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है नाइन टू नाइन टू एटीन डेज और विद रिलेप्स अप टू ट्वेंटी ईयर्स प्लाज्मोडियम मलेरिया का थर्टीन टू फोर्टी डेज तेरह से चालीस दिन देखो इंक्यूबेशन पीरियड मेनली आपको कहीं भी जाओगे तो पूछ लिया जाएगा नॉर्मली इंटरव्यू बेसिस पे या एमसीक्यूएस क्वेश्चन पे तो आपको याद रखना जो सबसे डेंजरस होती है डिजीज कौन सी प्लाज्मोडियम फैलसी उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सात से चौदह दिन वाईवैक्स का बारह से सत्रह दिन और ओवेल का होता है नाइन टू एटीन डेज और मलेरिया का थर्टीन टू फोर्टी डेज ठीक है दीज आर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मलेरिया पैरासाइट नेक्स्ट बात करते हैं द टाइम बिटवीन द फीवर एपिसोड कैन भी करेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम स्पेसीज तो इसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की बात करते हैं स्पेसीज में तो उसका ड्यूरेशन ऑफ फीवर क्या होता है थर्टी सिक्स टू फोर्टी एट हावर्स मेलेग्नेंट ट्रेट इन मलेरिया ठीक है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का नेक्स्ट बात करते हैं वाइवैक्स का तो इसमें क्या रहता है फोर्टी एट हावर्स बिनाइंड ट्रेट इन मलेरिया ठीक है प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करते हैं तो उसमें रहता है फोर्टी एट हावर्स ओवेल मलेरिया और प्लाज्मोडियम मलेरिया की, बात करते, तो hours, बात, करते malaria, की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ड्यूरेशन फीवर का सेवनटी टू हावर्स ठीक है क्वार्टन मलेरिया अब बात करते हैं इसमें पैथो फिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया ठीक है जो भी मलेरिया है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या आता है शुअर ऑफ न्यू मोरजोट्स आर रिलीड फ्रॉम द आरबीसी एंड इंटरवल्स ऑफ अप्रोक्सीमेली फोर्टी एट हावर फॉर प्लाज्मोडियम वाईवैक्स प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम सेवेंटी टू आवर्स फॉर प्लाजमोडियम मलेरिया दिल्स एंड फीवर कंसर्ट विदीज हमने आपको लाइफ साइकिल बताई थी ना उसके बारे में इसी का पूरा डिटेल बताया था ठीक है द पैरासाइड डिस्ट्रॉय लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टेड आर्बीज थ्रेबिकॉजिंग ए हीमोलिटिक एनिमिया ठीक है ये पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में हम आगे और बात करते हैं एक करेक्टरिस्टिक ब्राउन मलेरिया पिगमेंट

हिपेटो ठीक है ये क्या हो गया पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया का अब देखो जो डिजीज है उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे किस तरीके से आप उसे आइडेंटिफाई करोगे क्या उसके साइन सिम्टम्स रहते हैं तो उसमें बात करते हैं एक करेक्टरिस्टिक ब्राउन ठीक है साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में हमारा रहता है साइकिल ऑफ साइकिंग चिल्स फॉलोड बाई फीवर एंड प्रोफाइज स्वीटिंग ठीक है इसमें क्या रहता है फीवर वगैरह चिल्स फीवर रहेगा ठीक है हिमोलिटिक एनीमिया कंडीशन हो जाती है जॉनडेस डार्क पिगमेंट यूरिन यूरिन का डार्क कलर आता है ठीक है और क्या आता है ब्लैक वाटर फीवर होता है ठीक है स्टूल्स बिकेम इंक्रीजिंगली लॉस और पेटों में हेडेक हेड एक ड्राई कफ लॉस वेट वेट कम होगा कफ ड्राई कफ आएगा ठीक है दी आर साइलेंट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट अब डायग्नोसिस की बात करते हैं मतलब जैसे आपको मालूम पड़ गया कि हाँ मलेरिया पैरासाइट है तो उसकी डायग्नोसिस क्या होगी किस तरीके से तो उसमें देखो मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी मस्ट होती है क्योंकि उसी की उसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी डिजीज़ है अगर मलेरिया पैरासाइट है तो उसमें कौन सा वो है प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम है वाइवैक्स है क्या है तो उसके बारे में हम बात करते हैं तो इसमें माइक्रोस्कोपी में देखो हमारी एक फिल्म्स ऑफ ब्लड फिल्म्स ऑफ ब्लड जैसे बोलते हैं पी एस फॉर ब्लड स्मेयर फॉर मलेरिया दो तरीके से क्वान्टिटेटिव बफिकोट जो, टेस्ट बोलते है, अब of, जो smear, smear की बात करते हैं फिल्म की तो इसमें क्या होती है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होते हैं एंटीबॉडी बेस्ट टेक्निक सीरोलॉजिकल टेस्ट ठीक है सीरो टेक्निक सीरोलॉजिकल टेस्ट रहता है इनडायरेक्ट फ्लूरोसन टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट जिसे बोलते हैं एंजाम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टैसे जो एलाजा टेस्ट से आइडेंटिफाई करोगे ठीक है एंटीजन बेस्ट टेक्निक जो रैपिड टेस्ट होता है ना प्लाज्मोडियम फेल्सिफोडियम प्लाज्मोडियम बाइफक्स जो देखते हैं मोलिकुलर टेक्निक्स होती है उसमें क्या होता है पॉलीमरिज चेन रिएक्शन मोलिकुलर टेक्निक से अगर मौलि, आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसके लिए पी टेस्ट करना पड़ता है ठीक है पी सी आर मोलिकुलर टेक्निक्स में अब ब्लड स्मेयर की बात करते हैं देखो ब्लड स्मेयर जो अभी हमने आपको बताया था जो पी एस फोर एम पी था पैरिफेरल ब्लड स्मेयर फॉर मलेरिया पैरासाइड तो उसे हम जो स्मेयर होते हैं उसे दो तरीके से बनाते हैं एक थिन स्मेयर होता है और एक थिक स्मेयर बन होता है थिन स्मेयर से हम क्या करते हैं फोर स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन उससे हम स्पेसीज का आइडेंटिफाई करेंगे कि मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम फैलसी है या बाइबैक्स है ओवेल है जो भी है और थिक स्मेयर से हम क्वान्टिटी बताते हैं ठीक है हाँ क्वान्टिटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन बताएंगे थिक थिकमेयर से बात करते हैं एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट में हमारा रहता है पीएलडीएच एंड एडेलोज ये क्या होता है कॉमन टू आल प्लाज्मोडियम कॉमन जो भी प्लाज्मोडियम स्पेसिवीज होती है उसके लिए क्या करते हैं पी एंड एडेलोज एच आर पी टू एंटीजन टेस्ट ठीक है एच आर पी टू एंटीजन डिटेक्शन इससे क्या करते हैं स्पेसिफिक फॉर प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया की ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में हमारा रहता है टू ट्रीट मलेरिया बी मोस्ट अंडरस्टेंड टू कॉन्सेप्ट ठीक है इसमें हमारा रहेगा द जियोग्राफिक पैटर्न ऑफ ससेप्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम टू एंटी मलेरियल ड्रग्स जो भी एंटी मलेरियल ड्रग्स आते हैं ठीक है द टाइप ऑफ मलेरिया टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पेसिज कॉजिंग द इन्फेक्शन तो इसमें रहता है प्लाजमोडियम फैल्सीफेरम प्लाजमोडियम बाईवैक्स प्लाजमोडियम मलेरिया एंड प्लाजमोडियम ओवेल ठीक है इसमें बताया था ना अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की तो इसमें हमारा क्या रहता है क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट एरियाज ठीक है इसमें क्या रहता है क्वानिन मेल्फक्विन सेल्फैक्सोडोन एंड पैरामेथाइलिन ठीक है मिथाइमीन क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरियाज में हमारा क्या रहता है क्लोरोक्विन ठीक है ये किसका होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का ट्रीटमेंट अब प्लाज्मोडियम बाईवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होते हैं उसके लिए क्या रहता है क्लोरोक्विन विद हाँ प्रीमाक्वीन ये हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल का अब जैसे अगर इसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे जो मलेरिया पैरासाइट होता है हमारा वो किस मॉस्कीटो के काटने से होता है तो आप बताओगे फीमेल एनाफ्लीज ठीक है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है तो अलग अलग जितने भी वो होते हैं तो उसका अलग अलग होता है सात से चौदह दिन होता है किसी का बारह से बीस दिन तो वो हमने आपको इस वीडियो में बताया अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह रहता है तो आप पूछ सकते हैं और इसका जो देखो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है जिसमें हम पैरासाइड देखते हैं और एंटीबॉडी टेस्ट होता है ठीक है जो स्लाइड से हम बना सकते हैं स्लाइड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लाज्मोडियम फेल्सिवेरम है या वाइवैक्स है और इसकी जो भी मतलब हम प्रैक्टिकली वीडियो है वो भी जल्द से आपको इसी चैनल पे मिलेगी और उसकी लिंक भी दे दी जाएगी अगर कहीं भी कोई आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं थैंक यू अगर जो भी कहीं डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं अब अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जिससे जो भी वीडियो आएगी वो आपको आसानी से मिलती रहेगी थैंक यू